आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। तंगी के चलते छोड़ी पढ़ाई, मूवी देखकर आया आइडिया, बना दिया जुगाड़ से रोबोट। बासवा के बालक ने अपनी समझ से किया इजाद। सनावत कहते हैं कला परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। पासी के ग्राम के एक बच्चे ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। घर में बीमार माँ, ढाबा चलाने वाले पिता की मदद करते हुए खरगोन के अमल कालरा ने अनूठा कारनामा कर दिखाया। उसने वेस्ट मटेरियल से रोबोट बना डाला। आठवीं तक पढ़े अमन के इस कारनामे को देखकर हर कोई हैरान है। ग्राम बासवा गांव में रहने वाले अमन कालरा ने लकड़ी और कार्डबोर्ड जैसी छोटी सी चीजों से रोबोट बना दिया। अमन ने मात्र 7,000 रुपए की लागत से ये रोबोट बनाया। इस काम को पूरा करने में उसे 11 महीने का वक्त लगा। ये रोबोट 5 किलो तक के वजन को उठाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये रोबोट बोलता भी है। पूछने पर रोबो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी बताता है। तंगी के चलते छोड़ी पढ़ाई, अमन की कला को देखकर आज हर कोई हैरान है। लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, इससे सभी अनजान। घर में बीमार माँ, आर्थिक हालात बेहद कमजोर, ऐसे में खर्च चलाना मुश्किल। पिता रोजी रोटी के लिए ढाबे पर काम करते हैं। मजबूरन अमन को 8वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन अमन का सपना था रोबोट बनाने का, और अपनी मेहनत से उसने इस सपने को साकार कर दिखाया। पिता ने दिया साथ। आर्थिक हालात खराब होते हुए अमन के पिता ने उसका भरपूर सहयोग किया। बेटी की पढ़ाई छूट चुकी थी, ऐसे में बेटी की इच्छा पर पिता ने उसे रोबोट बनाने के लिए सामान मंगवाया। अमन जी जान से काम में जुट गया। ऑनलाइन एड्रिनो मोटर ड्राइवर, ब्लूटूथ मॉडर्न सर्वो मोटर एंड गियर मोटर, वायर बैटरी, कार्डबोर्ड, प्लाईवुड, घर पर पड़ी वेस्ट सामग्री से रोबोट बना दिया। रोबोट की खासियत, वेस्ट मटेरियल से बना ये रोबोट मोबाइल और इंटरनेट से ऑपरेट होता है। मोबाइल से इसकी कमांड दी जाती है। इसकी कोडिंग भी स्वयं अमन ने ही की। ये रोबोट पूछे गए सवालों का जवाब भी देता है। रोबोट हाथों से करीब 300 ग्राम का वजन उठा सकता है, और वहीं पैरों से 5 किलो तक का वजन उठा लेता है। रोबोट में मेमोरी भी इंस्टॉल की जा सकती है। ऐसे आया आइडिया। अमन ने बताया, साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म रोबोट और 2018 में 2.0 फिल्म देखकर उसके मन में रोबोट बनाने की इच्छा हुई। उसने मुंबई में रोबोटिक कंपनी के बारे में इंटरनेट से जानकारी ली। उसके बाद अमन ने कंपनी के इंजीनियर संतोष से भी बात की। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।